ये जैम कम से कम 2-2.5 किलोमीटर से चल रहा है, अब तक खत्म नहीं हुआ है. एंड ही नेम्ड द प्लेस शांतिनिकेतन, व्हिच मींस अबोड ऑफ पीस. हॉर्न बड़ा मस्त बजा लेते ये लोग. अब बड़ा ना दिया उन्होंने टैरिफ अपना. And I have my friend Suparsha with me. Suparsha say hi. इनके रास्ते बन नहीं रहे और इनके पास बम्पर लगे जा रहे हैं. गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोलपुर और शांति निकेतन. और सुबह के बज रहे हैं 8:16. सो वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट आवर जर्नी. वी आर जस्ट गोना हैव ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर द डे. सो आज का डेस्टिनेशन होने वाला है या तो सिलीगुड़ी या फिर अलीपुर द्वार. डिपेंडिंग ऑन द टाइम हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ रुकना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट वेरी सेफ टू ड्राइव इन द डार्कनेस और लेट इन द नाइट. देर आर सर्टन एनिमल क्रॉसिंग जोन्स, तो हम रिस्क नहीं लेंगे. देखेंगे जैसा टाइम होगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे. सो डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर्स. आई विल गिव यू द एग्जैक्ट डिस्टेंस व्हाइल आई सिट इनसाइड द कार एंड दैट्स अबाउट इट. अब हो चुका है सब रेडी और जल्दी से ब्रेकफास्ट निपटाते हैं और निकलते हैं यहाँ से. Alright, so let me give you some background of this place, some history of this place. Shantiniketan has a rich history. It was basically a place where Nobel laureate Rabindranath Tagore took a land on lease and set up a guest house, and he named the place Shantiniketan, which means abode of peace. So from there the name Shantiniketan came into picture. It was initially Bolpur and then the whole thing was named as Shantiniketan. And we all know who Rabindranath Tagore is. He is the writer of the national anthem of India and he was a great freedom fighter. So that is the significance of this place and some history for you guys. ऑलराइट फोक्स, तो निकलने का टाइम आ चुका है. ऑलराइट, सो अभी हम निकल रहे हैं हमारे स्टे से. मेकला रिसेप्शन के पास है. ये हमारा रूम था और काफी अच्छा स्टे था ये. हमने लिखा है थैंक यू विजिट अगेन, जरूर आएंगे. बहुत ही ज्यादा बढ़िया था ये. सो ये है विश्व भारती कैंपस. थोड़ा हिस्ट्री बताएगी मेघला. दिस इज द बैनियन ट्री जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जिसके नीचे बैठ के कविता लिखते थे. Right. ये है अमर कुटीर जिसके वो एक बंगाली में एक पोएम है. ये पूरा कैंपस है. यहाँ पे खुले में पढ़ाई होती थी, अभी भी होती है. अभी इंडिया में सिर्फ खुले में शौच होता है. रास्ते काफ़ी अच्छे हैं बोलपुर के जस्ट बाहर. हम लोग आ चुके हैं बाहर. प्रांतिक होकर हम बाहर निकले हैं शांतिनिकेतन से. काफ़ी सुंदर है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस. छोटे छोटे गांव हैं आसपास, बहुत ठीक है. एंड बेस्ट पार्ट है कि साफ सुथरा है. जैसे आप लोग देख रहे हो रोड कंडीशंस काफ़ी खस्ता है, ठीक है, और काफ़ी दूर तक ऐसे ही चलने वाला है, चलता आया भी है. रास्ते पतले हो गए हैं और ट्रैफिक भी है, लोकल ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा. सो द पेस हैज़ ड्रॉप्ड. वी आर स्टिल 406 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिलीगुड़ी एंड इट इज़ शोइंग मी 10 hours and 30 minutes, विच इज़ अ लॉट ऑफ टाइम. Okay, the name of this place is Scythia. So Mekhla ka ye purana area hua karta tha. This is the place she was posted in her previous organization. I was posted in Bolpur. Haan, to aati to thi na. Haan, shaykh hai, aayi thi Argarh. Batao. Horn bada mast baja lete ye log. Inke raste ban nahi rahe aur inke bas bumper lage ja rahe hain. Ab tum dekhna the car leke jaoge. Wow, sagar kinare car ye pukare. Paise nahi le raha na. Good. लेने भी नहीं चाहिए इस रास्ते के पैसे. किस बात के भाई, 20-20 रुपए देती थी मैं यहाँ से जाने के लिए. यहाँ पर नदी के ऊपर रास्ता बना, कभी गए हो तुम? वाओ, मांगेगा शायद, थोड़ा तो है.
अब बढ़ा ना दिया उन्होंने टैरिफ अपना। हिम्मत बहुत हो दादा, अब तक तो नीचे बैठी थी ये। वाओ वाओ में क्या बड़े 5 रुपए दिख रहे हैं मुझे। क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन तुमने क्या कि ये 5 रुपए किस बात के पूछो जब मैं बोलती थी तुम्हें फोन में यार है ये बात। तो जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल स्टैंड स्टिल ट्रैफिक है, रुक चुके हैं हम लोग लास्ट 5 मिनट से ऐसे ही रुके हुए। सामने है ढेर सारा जैम, ट्रक्स ने फंसा रखा है, ठीक है, और बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तो पता नहीं ऐसे कब तक चलने वाला है, वेट करते हैं और क्या ही कर सकते हैं। One eternity later. So, अब हम लोग नलहाटी करके एक जगह पे हैं। सामने एक रेलवे ट्रैक है और गेट बंद है एज यूजुअल, बैड लक। चलो वेट करते हैं और क्या ही कर सकते हैं। Meanwhile, look at the condition, surrounded by हरा देख लो यहाँ ट्रेन रुकी हुई है और ट्रैफिक चल रहा है सामने से, अलग ही सीन है अलग। ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू मर्ज ऑन टू द नेशनल हाईवे 12 जो कि सिलीगुड़ी तक जाएगा हमको लेके। यही मेन हाईवे होगा जो सिलीगुड़ी तक जाता है। वैसे डिस्टेंस रह गया है 316 किलोमीटर और बज रहे हैं दोपहर के 12:41। राइट साइड है रघुनाथगंज, स्ट्रेट है फराक्का, ओके लेफ्ट में राजग्राम है। ऑल राइट, सो लिटिल बिट ऑफ rule breaking going over here. There was a cop over there who asked me to go this way because the other side is jam packed, it's completely standstill. So unhone hi humko suggest kiya ki aap is raste jao, isliye hum ulte raste ja rahe hain aur koi option bhi nahi hai hamare paas. Ye jam kam se kam 2.5 kilometer se chal raha hai, ab tak khatam nahi hua hai, इतना ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम है और पता भी नहीं कि किस बात का जाम है, कुछ हुआ नहीं है बस ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे ट्रक्स, पता नहीं क्या सीन है इसका। नेवर्थलेस आई एम जस्ट हैविंग माय हैजार्ड्स ऑन एंड आई एम मूविंग ऑन टू द रॉन्ग वे व्हिच काइंड ऑफ फील्स वियर्ड एंड रॉन्ग, बट क्या ही कर सकते हैं। बाय द वे हेडलैम्प भी मैंने ऑन कर रखा है जस्ट फॉर द एडेड सेफ्टी। और 2 किलोमीटर निकल गए, मतलब 4 किलोमीटर ट्रैफिक जाम है अभी, 4 किलोमीटर निकल चुके हैं और अभी भी चल रहा है बस। और अब हम फाइनली आ गए हैं बैक टू आर ओरिजिनल लेन और अभी भी ट्रैफिक जाम है। 6 किलोमीटर हो चुके हैं जब से हम निकले हैं, मतलब जब से ये ट्रैफिक जाम स्टार्ट हुआ है। आई हैव नो क्लू व्हाट इज कॉजिंग दिस ट्रैफिक जाम टू हैपन, बट नेवर्थलेस थोड़ा सा लेफ्ट लेन में जगह है, वी आर जस्ट पुशिंग ऑन एज मच एज पॉसिबल विद द रिमेनिंग स्पेस। मतलब जस्ट टेलिंग मी कि ये जो ट्रैफिक जाम है ना, ये हमेशा नहीं रहता है, कभी भी हो जाता है, बेमतलब का होता है और फिर कभी कभी बिल्कुल ही नहीं रहता है। सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो व्हेन यू आर ऑन दिस रूट यू मेक श्योर यू अकाउंट फॉर दिस काइंड ऑफ डिलेज, क्योंकि आपको शायद डिस्टेंस देख के लगेगा कि अरे कितना ही डिस्टेंस है, बट अब जब करने जाओगे ना तो ये वाली दिक्कतें आने वाली है। खैर सामने लिखा हुआ है सिलीगुड़ी, दालकोला, गुवाहाटी। ये रास्ता पता नहीं क्यों ही ब्लॉक करके रखा है, कोई खास रीजन नहीं है इसको ब्लॉक करने का। 2000 years later. क्या ही कर सकते हैं, उधर जाइए ना। मानो गाड़ी पे लगे बस। क्यों ही ऐसा करके रखा है भाई, इतना mismanagement क्यों है? दिन-दिन का time है तो निकल रहे, तो मगर इन सब जगह पे रात को आए ना, you will just be sitting. It will just not move. क्या होगा? चलो ना right side से। हाँ, railway track तो नहीं था कोई?
भगवान जाने क्यों रुके हुए थे ये लोग। वाओ क्या हाल है इस ब्रिज का। सड़क का ब्रिज। ओ यहाँ पे मैंने ये वीडियो में देखा था कहीं पे। ये है फरक का ब्रिज। नीचे से गंगा बह रही है और ऊपर से ब्रिज, जिसका हाल बहुत खस्ता है। पर ठीक है, ट्रक्स पता नहीं क्यों रुके हुए थे, ऐवे ही रुके हुए थे। बस एक ट्रक रुका हुआ है सामने और उसके पीछे पूरी लाइन खड़ी है। नो नोन रीजन टू दैट। ओके एनीवेज, सो नेवर्थलेस वी आर क्रॉसिंग द रिवर नाउ एंड वी शुड बी थ्रू प्रीटी सून। अब वो जो ट्रैफिक हमने क्रॉस किया था रॉन्ग रूट से, अब सेम चीज इस तरफ भी है। इसका मतलब ये है कि जो बॉटलनेक था वो बेसिकली वो ब्रिज था, ठीक है। उसकी वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक लगा हुआ है। ये भी पता नहीं कितने किलोमीटर तक है, वो तो लगभग 6-7 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम था। यहाँ भी उतना ही होगा लगभग, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट के लिए वो एकमात्र एक ही वो ब्रिज है जिसके थ्रू ट्रैफिक मूव करता है फ्रॉम सिलीगुड़ी साइड टू कोलकाता। तो ये सीन है बेसिकली, क्या ही कर सकते हैं। जब ट्रक यहाँ गिरा तो इसको चालू रखते भाई। और हम पहुंच गए कालिया चौक, विच इज अनदर माइलस्टोन। यहाँ पे भी ढेर सारा ट्रैफिक होता है, भीड़ भाड़ होती है। नाम लेते ही शैतान हाजिर है। वी आर स्टक इन ट्रैफिक नाउ। लेट्स होप वी मेक इट थ्रू प्रीटी सून। ऑलराइट, सो अब तक का अपडेट ये है कि हम लोग मालता क्रॉस कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग टुवर्ड सिलीगुड़ी। एंड 225 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर सिलीगुड़ी, दैट इज़ द डिस्टेंस। और बज रहे हैं 247, दोपहर के 247 बज रहे हैं। अभी रोड्स ठीक है आफ्टर लॉट ऑफ हसल बसल, अब थोड़ा ठीक है, अब हाईवे है प्रॉपरली। बट आगे आप देख सकते हो ऐसे कारनामे करते हुए लोग भी आपको मिलेंगे। सही है यार। ऑलराइट, तो अभी हम लोग गाजोल को बाईपास करते हुए निकल रहे हैं और टूवर्ड्स रायगंज जा रहे हैं। सो ऐसा ही मैप सजेस्ट कर रहा है। तो गाजोल इज अ स्मॉल टाउन अगेन। पता होगा उसके बारे में, वहां पे ट्रेन इंसिडेंट हुआ ना, वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट्स। सो गाजोल में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था एक टाइम पे, जो कि काफी मतलब इट किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, देयर वाज अ लॉट ऑफ फैटलिटी। एंड राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स रायगंज। सो बस उतना ही है, ये अब तक का अपडेट है। एंड वी आर एकम्पनीड बाय सम बाइकर्स हू आर मोस्ट लाइकली हेडिंग टू सिलीगुड़ी टुडे। अब हम रायगंज नाम के एक जगह को क्रॉस कर रहे हैं। ये एक टाउन आता है हाईवे के ऊपर, जहाँ थोड़ा सा और ट्रैफिक एंड मेसी सिचुएशन मिल सकता है। और डिस्टेंस रह गया है सिर्फ 163 किलोमीटर्स टू सिलीगुड़ी। सो हम जिस जगह से गुजर रहे हैं ना, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही बिहार है। बिल्कुल ये जो खेत है उसके उस पार ही बिहार है और ये वेस्ट बंगाल है। बिल्कुल बॉर्डर से जा रहा है रोड, मैप पे भी वैसा ही दिख रहा है। और हम जो रास्ता ले रहे हैं उसमें हम दलकोला वाला रोड नहीं ले रहे हैं, हम लोग राइट टर्न ले लेंगे टुवर्ड्स, पता नहीं कौन सा हाईवे है वो, बोतलबारी रोड दिखा रहा है वहाँ पर। इस्लामपुर से जा रहे हैं। ओके, सो हम इस्लामपुर से जा रहे हैं, किशनगंज से नहीं जा रहे हैं। दैट्स द अपडेट। देखो भाई ऐसा है कि रास्ते हो गए हैं बढ़िया, ठीक है। NH-12 को बना रही है गवर्नमेंट और काफ़ी अच्छा बना रही है, मतलब प्रॉपर 6 लेन है, 6+2 मतलब लगा लो 7 लेन कुल मिला के। बहुत बढ़िया सरफेस है, बहुत अच्छा रास्ता है। अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है, पर जब बन जाएगा ना तो आप समझ लो कि मतलब सिलीगुड़ी जाना मजाक हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये रास्ता फाइनली बन रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है। छोटा सा चेंज इन प्लान है, हम लोग दलखोला वाला रूट ही लेंगे क्योंकि ये 13 मिनट्स फास्टर दिखा रहा है नॉर्मल वाले रोड से और थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन टाइम कम लग रहा है। सो वही रोड लेते हैं जो जिसमें टाइम कम लगे, क्योंकि उससे सरदर्द ही कम होगा और लॉन्गर या टाइम टेकिंग रूट को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो दलखोला के थ्रू जाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है आगे। सो मैप के हिसाब से ना ये बिहार है,
We are practically inside the Bihar state, but there is no check post or anything of that sort. So probably they have not declared it officially. But ये जो हाईवे जा रहा है ना, ये बिहार के थ्रू जा रहा है. बिल्कुल हल्का सा टच होके बॉर्डर के अंदर घुस के आई थिंक आगे चल के फिर बाहर आ जाएगा. सो या, दैट्स अनदर अपडेट. बैक इन वेस्ट बंगाल, दालकोला इज जस्ट 7 किलोमीटर्स. तो NH12 हुआ ख़त्म दालकोला के पास जाके, और रास्ता बहुत बढ़िया था. NH12 का जो लास्ट स्ट्रेच था दालकोला तक वो बहुत सही था. और अब हम लोग मर्ज हो गए हैं NH27 पे, ठीक है. सो इट्स सेज स्टे ऑन दिस हाईवे फॉर 53 किलोमीटर्स. आई थिंक यही हाईवे जो सिलीगुड़ी तक जाता है. सो नाउ दैट द ETA हैज कम डाउन क्वाइट अ बिट, इट्स अबाउट 723 एज द ETA, जो कि 1 घंटे से भी ज़्यादा हमने इसको कवर अप कर लिया है. मतलब 1 घंटे से पहले पहुँच जाएंगे हम लोग, जो कि ETA था सुबह का. सो हम लोग सोच रहे हैं कि शायद अलीपुरद्वार तक चले जाना चाहिए. दैट विल रिड्यूस द स्ट्रेस फॉर टुमारोज ड्राइव. हल्का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और टाइम भी कम हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी पहुंच पाएंगे गुवाहाटी. सो देखते हैं क्या प्लान बनता है और उस हिसाब से मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ. तो NH27 में जब से हम चढ़े हैं रास्तों का हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब है. बस तारीफ करने की देरी थी. NH12 जितना अच्छा है, NH27 का हाल उतना ही ख़राब है, ठीक है. बड़े बड़े खड्डे, इतने बड़े कि अगर हमने मार दिया ना उठा के गाड़ी, हो गया काम आपका, समझ लो. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड दैट NH27 द इनिशियल स्ट्रेचेज आर नॉट गुड, प्रिटी ब्रोकन. And that starts from Dalkola. So keep that in mind, keep that into account. Better to avoid this road during the darkness. Shaam ke baad na hi chalao to better hai. In raaston pe at least. Road conditions are pathetic. Pathetic. Okay. It's 4 lane but doesn't help. Doesn't help in any sense. Dher saare kharaab raaston ke baad finally we have reached Kishanganj, which is actually in Bihar. But I'm not sure if it is in this part of the border or which side. So Islampur is about 30 kilometers from here, and we are planning to push ourselves till Alipurduar for the day. Meanwhile, all right, finally on some good roads. This is the Islampur bypass, and we are continuing ahead. अब बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे के रास्ते भी अच्छे रहे, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है. तो ख़राब रास्तों पे खड्डे बचाने का जो सिलसिला है वो अब ठीक से नहीं हो पाएगा, कि उतनी विजिबिलिटी भी नहीं होती है चाहे कितना भी अच्छा हेडलैम्प. सो या, दैट्स हाउ इट्स गोइंग सो फार. द लेफ्ट साइड गोज टू बागडोगरा, विच वी आर नॉट गोइंग. वी आर गोइंग टू वर्स फुलबारी, विच इज स्ट्रेट. ऑल्सो जलपाईगुड़ी इज स्ट्रेट. सो फुलबारी इज 20 किलोमीटर्स, जलपाईगुड़ी 53 है. और ये काइंड ऑफ एक बाईपास है जहाँ से हम निकल जाएंगे. लेफ्ट साइड निकल गया है पूरी गाड़ी अंदर चली जाए. खड्डों का साइज देख लो बस. नेक्स्ट लेवल. हम लोग जलपाईगुड़ी क्रॉस कर रहे हैं. राइट साइड में है जलपाईगुड़ी और हम स्ट्रेट निकल जाएंगे, क्योंकि राइट साइड से ये बाईपास है जो स्ट्रेट जा रहा है. सो फर्स्ट ब्रेक सिंस वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग. चाय चल रही है यहाँ पे और थोड़े पकोड़े भी हैं. लेट्स गेट गोइंग. कंडीशंस देख लो रास्तों के, इतने अच्छे हाईवेज होते हैं फिर सडनली ख़राब हो जाते हैं. पता नहीं क्या दिक्कत है. ऑल राइट, सो 23 किलोमीटर रह गए हैं स्टे के लिए. ओके, दैट वॉज क्लोज. एनीवेज, सो ये थोड़ा सा जंगल वाला रूट है, और मैंने जहाँ तक सुना है कि यहाँ पे एलिफेंट्स काफ़ी होते हैं और कभी कभी वो निकल आते हैं हाईवे पे, और लेपर्ड्स वगैरह भी है इस जंगल में. सो नेवरदलेस, आई डोंट थिंक मैं इतना लकी हूँ कि आज मुझे दिख जाएगा ऐसा कुछ, बट ठीक है, जो भी है. रात के बज रहे हैं 9:22, 9:22 PM, एंड वी आर जस्ट 31 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर स्टे, ठीक है. और सामने एक रिवर आने वाला है जिसका नाम है तोरशा, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिबेट एंड फ्लोज इनटू इंडिया एंड देन गोज एंड मर्जेस इनटू बे ऑफ बंगाल. विशाल पैलेस होटल, ठीक है, ये हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, जो ये विशाल पैलेस. उस तरफ करो ना.
ऑलराइट, तो हम पहुंच गए हैं विशाल पैलेस होटल। डन कर देते हैं इसको, गाड़ी बंद करते हैं। इसकी गाड़ी बज गई भाई। चलिए भाई चलते हैं अंदर। Alright, so we finally reached Alipurduar and I have my friend Suparsha with me. Suparsha, say hi. Hi. So he has booked the hotel for us. So today's stay is going to be Vishal. Yeah, Vishal Palace. Vishal Palace for the night. गाड़ी यहाँ पे पार्क हो चुकी है, होटल इधर है और थोड़ा सा एक छोटा सा एक ड्राइव करके आएंगे और फिर मैं हो जाऊँगा अंदर, चेक इन कर लूँगा और कल सुबह मिलूँगा Suparsha से। So that's all for today. I hope you liked the video. If you did, do give it a thumbs up and share it with your friends and family. And if you are new to the channel, do consider subscribing. Milte hai kal subah. Good night. Bye.